हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिसोन। आज मैं आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं डिलीशियस पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने 1 kg पालक ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब पालक बॉईल हो चुकी है। अब हम एक पतीले में बिल्कुल चिल्ड वाटर लेंगे और उसमें पालक को ट्रांसफ़र करेंगे। हमने ठंडा पानी इसीलिए लिया है क्योंकि इसका कलर जो है पालक का, वो चेंज नहीं होगा इससे। देखिए, ठंडे पानी में डालने से पालक का कलर बिल्कुल ग्रीन वैसे ही रहा जैसे पहले था। अब हम पालक को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा ग्राइंड करने के बाद। ये देखिए, पालक का स्मूथ पेस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जितनी हमने पालक ली थी उससे आधी पालक रह गई है, इसीलिए हमने पहले नमक नहीं डाला था। अब हमने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने जीरा लिया है, हींग ली है, तेज पत्ता लिया है, 2 सूखी लाल मिर्ची ली हैं और हमने साथ में लिया है जिंजर, गार्लिक, अनियन, टोमेटोज और हरी मिर्ची। अब हम टमाटर और जो हरी मिर्च का है स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन में 1 बड़ा स्पून ऑयल का लेंगे, जिसे हम गर्म करेंगे। उसमें हम डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, हींग और लाल मिर्ची और उसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। डालेंगे चॉप जिंजर और गार्लिक और उसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें चॉप अनियन भी डालेंगे और उसे अच्छे से सॉटे करके मसाला तैयार करेंगे। अब अनियन का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर का, वो इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक जो है तेल जो है मसाले से अलग नहीं हो जाता। इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है हल्दी और इसे अच्छे से हम कुक करेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम मसाले में 2 चम्मच मलाई के डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पिसी हुई पालक को भी ट्रांसफर करके अच्छे से मिक्स कर देंगे।
मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। अब तक पालक भी हमारी पक चुकी है, इसमें मैं पनीर को भी ट्रांसफर कर दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब हमारा पंजाबी स्टाइल पालक पनीर बनकर रेडी है। इसे आप ढेर सारे मक्खन और क्रीम के साथ गार्निश कर सकते हैं। इसे नान के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।